तो अभी हमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन जो होती है उसे कैसे कैसे रेगुलेट कर सकते हैं ह्यूमंस की बॉडी कैसे रेगुलेट करती है तो दो रीज़न्स होते हैं जो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं ये दोनों रीज़न्स ब्रेन का पार्ट है एक होता है जिसे बोला जाता है मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है पॉन्स अब दोनों में क्या डिफरेंस है किस चीज में वो हेल्प कर रहे हैं तो मेडुला ऑबलोंगेटा मेजर रीजन है जो रेगुलेट करेगा रेस्पिरेशन को बोला जाता है कि मेडुला ऑबलोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल रेस्पिरेशन जो भी हम नॉर्मल सांस लेते हैं छोड़ते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता वो वाली चीज उसे कंट्रोल हमारी बॉडी मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के थ्रू करती है therefore this region is known as the respiratory rhythm center. respiratory rhythm center bolte बोलते हैं इसीलिए इसे तो रेस्पिशन इस की रिदम को यह कंट्रोल करता है यही इसका काम होता है अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इज पॉन्स तो पॉन्स भी रीजन जो होता है ये भी आपको ब्रेन में मिलेगा जो होता है दिस इज नोन एज दूमोटैक्सिक सेंटर इनके दूसरे ये जो नाम है ये आपको याद रखने हैं हैं हैं। किसे किसे बोलते और center बोलते और तो न्यूमोटेक्सिक सेंटर इसे बोला जाता है इसे स्विच ऑफ सेंटर भी बोला जाता है स्विच ऑफ सेंटर स्विच ऑफ सेंटर का मतलब क्या होता है बेसिकली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है तो जब इसे लगता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है रेस्पिरेशन बढ़ानी पड़ेगी तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा मेडुला मेडोलॉब्लोंगेटा को और फिर मेडुला मेडोलॉब्लोंगेटा बढ़ा देगा रेस्पिरेशन के रेट को तो आप ज्यादा तेज सांस लेना शुरू कर दोगे बट जब ये स्ट्रांग सिग्नल भेजता है कि बहुत हो गई भाई बहुत ऑक्सीजन ले ली तुमने अब और जरूरत नहीं है धीरे कर दो रेस्पिरेशन को तो ये उसको ऑफ करने का सिग्नल भेजता है कि भाई थोड़ा कम कर दो बहुत ज्यादा हो गया तो उससे क्या होगा रेस्पिरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा सो बेसिकली पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्ट्रोंग सिग्नल्स दैट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ मेड्यूला ओब्लोंगेटा इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रोंग सिग्नल्स ये बनाता है अब ये जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं ये या तो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं ब्रीदिंग को डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो बढ़ा देंगे कम रिक्वायरमेंट है तो घटा देंगे तो ये चीज इस पूरी चीज को करने में पॉन्स हेल्प कर रहा है तो ये था नॉर्मल के टाइम पे जब नॉर्मल सारी चीजें चल रही हैं जब ज्यादा एक्टिविटी हो रही है ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तब ये काम करेगा अगर आपकी बॉडी जो होती है उसके अंदर रेस्पिरेशन जो है घटानी है अब बहुत ऑक्सीजन मिल गई तो उस टाइम घटाने का काम जो करेगा दैट इज बॉन्स तो ये आप याद रखोगे दोनों चीजें ये था रेगुलेशन जो भी ये दो स्ट्रक्चर्स करते हैं जो ब्रेन में लोकेटेड है अब हम पढ़ेंगे केमिकल रेगुलेशन कैसे होता है मतलब केमिकली केमिकल्स किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में तो वो देख लेते हैं इसे बोला जाता है केमिकल रेगुलेशन केमिकल रेगुलेशन तो केमिकल रेगुलेशन वाली जो प्रोसेस होती है ये होती है बाय कीमो सेंसिटिव सेंटर कीमो सेंसिटिव कीमो सेंटर सेंटर अब पे लोकेटेड होता है तो दिस इज लोकेटेड नियर मैडुलाटा मेडुला ऑबलोंगेटा जो होता है उसके पास ये लोकेटेड होता है कीमोसेंसिटिव सेंटर जो बेसिकली केमिकल्स के सेंसिटिव है अब वो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं वो केमिकल्स होते हैं बेसिकली सीओ टू एंड एच प्लस इन दोनों के सेंसिटिव होता है ये वाला रीजन तो आपको जैसे मैंने कल वाली क्लास में पढ़ाया था कि रेस्पिरेशन के टाइम पे एच प्लस आयन्स का फ्लक्चुएशन होता है बढ़ते घटते रहते हैं सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शल प्रेशर भी वेरी करता है हाई या कम हो सकता है और ये एच प्लस आयन्स है जो पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो कीमो सेंसिटिव सेंटर जो होता है वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा उस एरिया में तो बेसिकली ब्रेन में जब भी मेडोलॉबलोंगेटा के पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो कीमो सेंसिटिव सेंटर जो होता है वो उसे एक्सेस कर लेता है कि हाँ उसे परसीव कर लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तब फिर ये कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के हाई लेवल को डिटेक्ट करेंगे कीमो सेंसिटिव सेंटर बेसिकली कंटेन द कीमो रिसेप्टर्स। इट कीमो रिसेप्टर्स एंड कीमो रिसेप्टर्स आर फाउंड इन टू लोकेशंस। वो टू लोकेशंस कौन सी हैं एक होती है ऑर्टिक बॉडीज जो ऑर्टिक आर्क पे लोकेटेड होती हैं। ऑर्टा आपको पता होगा हार्ट का जो एक पोर्शन होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि पूरी बॉडी तक ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है ऑक्सीजन को लेके जाती है उसी से कनेक्टेड होता है ये वाला तो ऑर्टिक आर्क वहां से कनेक्टेड होती है उसके अंदर ऑर्टिक बॉडीज कुछ प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कीमोरिसेप्टर्स होते हैं एंड अनदर टाइप ऑफ बॉडी जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसे बोला जाता है कैरोटेड बॉडी कैरोटेड बॉडीज कैरोटेड बॉडीज जो होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं इन दी कैरोटेड आर्टरीज अब कैरोटेड आर्टरीज़ कौन सी होती हैं? ये वो वाली आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को सप्लाई करते हैं टू तो दीज सप्लाई ब्लड टू दी ब्रेन तक ब्लड ले जाने में कैरोटेड आर्ट्रीज का रोल होता है तो वहां पे जो बॉडीज होंगी जो स्ट्रक्चर होंगे उन्हें कैरोटेड बॉडी बोलेंगे उसके पास भी कीमोरेप्टर होते हैं तो क्या होता है कि कैरोटेड बॉडीज जो होती हैं इंक्रीज कर देती हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन जब भी सीओ टू कम होती है तो ये जो होती हैं ये इनका जो भी फंक्शन है वो ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ये रेस्पिरेशन इंक्रीज कर रही है ज्यादा होगा तो रेस्पिरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज कर देती है बट ऑर्टिक बॉडीज जो होती हैं वो इन जनरल ढंग से काम करती हैं सीओ टू ज्यादा है तो रेस्पिरेशन बढ़ा देती है क्यों, क्योंकि इस सीओ टू को बाहर रिलीज करवाना है और ऑक्सीजन को अंदर लेके आना है तो केमिकल रेगुलेशन बेसिकली ये जो कीमो सेंसिटिव सेंटर है वो कैरी आउट करता है विद दी हेल्प ऑफ कीमो रिसेप्टर्स एंड ऑल दिस रेगुलेशन इज डन इट इज सेंसिटिव टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी एच प्लस जिन्हें हम प्रो, प्रो बोलते हैं तो इन दोनों के सेंसिटिव ये पूरी रेगुलेशन होती है तो अभी तक हमने तीन टाइप की रेगुलेशन पढ़ी जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है उसके फंक्शनिंग को एक हमने पढ़ा मेडुला ऑब्लॉन्गेटा दूसरा पढ़ा पॉन्स एंड तीसरा पढ़ा ये सेंसिटिव सेंटर वाला यानी केमिकल रेगुलेशन किस तरीके से होता है तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली अब कुछ इफेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड तो एक होता है हैमबर्गर्स इफेक्ट एक होता है हालडेन्स इफेक्ट इनका क्या रोल होता है क्या पढ़ते हैं हम ये तो एक है हैमबर्गर्स इफेक्ट हेम्बर्गर्स इफेक्ट जो होता है इसे क्लोराइड शिफ्ट नाम से भी जाना जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आता भी है नेट के एग्जाम में क्लोराइड क्लोराइड शिफ्ट शिफ्ट अब होता क्या है क्लोराइड शिफ्ट बेसिकली ये चीज होती है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा यानी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो आपको पता है कि बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ जाएगा कार्बोनिक एसिड बना देगा जो कि फिर डिसोसिएट हो जाएगा इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड एच प्लस उसमें डिसोसिएट हो जाएगा तो जो भी ये बाइकार्बोनेट है मतलब नेगेटिव चार्ज सेल के अंदर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ये जो भी एच सीओ थ्री माइनस बाइकार्बोनेट आयन है ये डिफ्यूज आउट करते हैं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं सेल से डिफ्यूज आउट एंड क्योंकि ये बाहर निकल रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कम होता जाता है सेल के अंदर तो सेल उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन से सेल की बात कर रहे हैं हम रेड ब्लड सेल्स की रेड ब्लड सेल्स उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन्स को एंट्री दे देता है तो क्लोराइड आयन्स एंटर इन टू दी रेड ब्लड सेल्स तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्लोराइड आयन आ जाते हैं और जब वो क्लोराइड आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई सेल के अंदर इसी को क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं ये पूरी प्रोसेस सिर्फ तब होती है जब इंस्पिरा इंस्पायरेशन हो रही है मतलब जब इनहेलेशन हो रही है हम सांस ले रहे हैं तब ये पूरी प्रोसेस होती है सो बेसिकली एंट्री ऑफ क्लोराइड आयंस इन टू द रेड ब्लड सेल्स इज नोन एज हेम्बर्गर इफेक्ट और द्लोराइड शिफ्ट इट अकर्स इन दी प्रेजेंस ऑफ इंस्पायरेशन सो वेन एवर वी इंस्पायर जब भी हम सांस लेंगे इनहेलेशन करेंगे इनहेल करेंगे गैसेस को तो उसी टाइम पे ये पूरी प्रोसेस कैरी आउट होती है तो ये आपको याद रखना है और एक और चीज क्योंकि ये इंस्पायरेशन के टाइम पे है सांस लेने के टाइम पे तो जब हम सांस छोड़ेंगे उस टाइम क्या होगा तो एक्सपायरेशन के टाइम पे या एक्सेलेशन के टाइम पे जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट तो उस टाइम क्या होगा क्लोराइड आयन अंदर जाने की जगह बाहर आ जाएंगे उल्टा हो रहा है क्लोराइड शिफ्ट का उल्टा यहाँ पे क्लोराइड आयन्स की एंट्री हो रही थी यहाँ पे क्लोराइड आयन्स की एग्जिट होती है सेल से बाहर निकल जाते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है हेम्बर्गर्स है। इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड शिफ्ट को बोला जाता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को नहीं बोला जाता इंस्पायरेशन के टाइम पे होता है ये आप याद रखोगे चलो हेम्बर्गर्स इफेक्ट तो हमने देख लिया कि किस टाइप का होता है अब हम देखते हैं हालडेन्स इफेक्ट हालडेन्स इफेक्ट क्या होता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं हालडेन्स इफेक्ट तो हार्डेन्स इफेक्ट जो होता है ये बेसिकली एक टाइप का इफेक्ट है जिसके अंदर ऑक्सीहीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन वाला जो कंपोनेंट बना है कंपाउंड बना है उसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं ये बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड याद रखना जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है वो एसिडिक हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह वो बिहेव करता है एंड डज रिलीज एच आयंस एसिड है तो H प्लस आयंस रिलीज करेगा टेंथ क्लास से पढ़ाया जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा एंड ये एसिड H प्लस आय को रिलीज करेगा एंड ये जब भी H प्लस आय रिलीज होंगे तो दीज एच प्लस आय विल कंबाइन किसके साथ कंबाइन combine करेंगे कंबाइन्स विद बायकार माइनस इन आयन से वो बाइंड कर जाते हैं और इससे जो चीज बनती है दैट इज कार्बोनिक एसिड यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बन जाएगा कार्बोनिक एसिड जो होगा फिर जाके डिसोसिएट हो जाएगा इनटू वाटर एंड सीओ टू दिस डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज हाल इफेक्ट तो हालडेन्स इफेक्ट तब हो रहा है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बोल सकते हो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बन रहा है तब जाके ये पूरी प्रोसेस हो रही है क्योंकि तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है तो ये इफेक्ट हेमबर्गर्स इफेक्ट दोनों इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हिचकी क्यों आती है तो हिचकी जिन्हें की हम हिकअप्स बोलते हैं हिकअप्स जो है क्यों प्रोड्यूस होते हैं उनका क्या रीजन होता है तो एक हिकअप्स होते हैं और दूसरा होता है स्नोरिंग खराटे लेना ये दोनों किस वजह से होता है तो हिजकी जो होती है वो आती है जो कि एक साउंड है इनकम्प्लीट इंस्पायरेटरी साउंड बोला जाता है इसे इनकम्प्लीट इंस्पायरेटरी साउंड इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि सांस ले रहे थे वो बीच में रुक गई अटक गई तो कंप्लीट सांस आप नहीं ले पाए कंप्लीट इंस्पायरेशन नहीं हो पाया है. तो इनकम्प्लीट इंस्पायरेटरी साउंड एक प्रोड्यूस होती है शार्प साउंड होती है जर्की होती है मतलब झटके से प्रोड्यूस होती है एंड दिस सडन साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम तो डायफ्राम जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है एकदम से तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे बताया था मैंने कल कल आपको बताया था कि डायफ्राम जो होता है ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो फ्लैट हो जाएगा तो वो फ्लैट होने वाली प्रोसेस अगर एकदम से हो जाए नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही धीरे धीरे नहीं हो रही एकदम से हो गई तो उसकी वजह से एक जर्क पड़ता है मतलब एक झटका लगता है उसकी वजह से इंस्पिरेशन रुक जाती है इनकम्प्लीट रह जाती है और इसी से साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे कि हम हिचकी बोलते हैं या फिर हिकअप्स बोलते हैं एंड हिकअप्स में एक और साउंड प्रोड्यूस होती है तो ये साउंड सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम या इनकम्प्लीट इंस्पायरेशन की वजह से नहीं हुई वो होती है ड्यू टू दी सडन क्लोजर ऑफ ग्लोटिस तो एपिग्लॉटिस आपने पढ़ा होगा तो वो बेसिकली एक फ्लैप होता है कार्टिलेज से बना हुआ जो बेसिकली ट्रैकिया को विंड पाइप और फूड पाइप को कवर करता है वन बाय वन तो बेसिकली आ, क्या होता है जब हम खाना स्वेलो कर रहे हैं तो खाना विंड पाइप में ना जाए जिसे श्वास की नली बोलते हैं उसके अंदर खाना ना जाए तो उसके लिए विंड पाइप के ऊपर ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस बेसिकली उसे कवर करके रखता है तो वो चीज होती है तो अगर ग्लॉटिस एकदम से बंद हो जाए तो उसकी वजह से इनकम्प्लीट हो गई है इंस्पायरेशन क्योंकि अब सांस अंदर नहीं जा पा रही ऊपर फ्लैप आ गया इस तरीके से ट्रैकिया थी एकदम से वो फ्लैप यहाँ ढक्कन की तरह बंद हो गया सांस ले रहे थे एकदम से बंद हो गया तो एकदम से हिचकी आएगी उसे हिचकी बोलता है सडन क्लोजर ऑफ ग्लोटिस उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट इज स्नोरिंग स्नोरिंग बेसिकली होती है वो वाली प्रोसेस जिसके अंदर खराटे लेते हैं तो खराटे किस वजह से कोई पर्सन लेता है तो ये बेसिकली एक रफ साउंड होती है रफ रैटलिंग साउंड बोलते हैं इसे तो ये वाली जो साउंड होती है वो बनती है बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स तो जो भी वोकल कॉर्ड्स होती हैं लिरिंग्स के वो जो होती हैं वोकल कॉर्ड्स उनकी वाइब्रेशन की वजह से खराटे आते हैं अब ये वाइ जो होती हैं, ये उस टाइम होती हैं जब कोई पर्सन सो रहा है तो जब भी कोई बंदा सो रहा है तो उस टाइम वोकल कॉर्ड्स जो होंगी वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगी ड्यू टू पार्शियल ब्लॉकेज ऑफ दी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो कि नॉर्मली ओपन होता है सोते टाइम किसी किसी पर्सन में वो अपर अपर रेस्पिरेटरी जो भी ट्रैक है वो ब्लॉक हो जाता है सोते टाइम दिन के टाइम पे नहीं होगा जब वो नहीं रहा उठा हुआ है तब ये बंद नहीं हो रहा ब्लॉक नहीं हो रहा तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की ब्लॉकेज हो जाती है सोते टाइम बाय टंग तो टंग उसे क्लोज कर देती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को उसकी वजह से वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और उससे ये रैटलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम स्नोरिंग यानी खराटे लेना बोलते हैं तो ये दो चीजें थी जो एडिशनली मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए ये आपके सिलेबस में नहीं है बट हां इंटरेस्टिंग है तो बीच में आपको सोने से जगाने के लिए मैंने ये कुछ पोर्शन यहाँ डाला था किस किस को पता था इसके बारे में पहले कैसे आती है हिचकी कैसे लेते हैं खराटे पता था किसी को यस मैम यस मैम यस मैम हिकअप्स का मालूम था यस मैम हिकअप्स का मालूम है मैम हिकअप्स का सुना है यस मैम हिकअप्स का है. सुना है तो ये हमने कुछ चीज पढ़ी एक और चीज आपको मुझे बतानी है कि अच्छा जीत आपको नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं है एक और चीज़ आप आपको पता होगी कि वोकल कॉर्ड्स जो होती हैं वो मेल्स की ज़्यादा लंबी होती हैं एंड थिक होती हैं इसीलिए मेल्स की जो आवाज़ होती है वो भारी होती है एंड ये थिकनेस जो होती है वो होती है ड्यू टू दी प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स तो एंड्रोजन्स जो मेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन की वजह से मेल्स की जो भी वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती हैं एंड थिक भी हो जाती हैं इनकी लंबे होने से थिक होने से जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो ज्यादा मतलब भारी साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और ये सारी चीज होती है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन्स तो ये स्मॉल फैक्ट्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं एक और मैम 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 एक एक था था वो है। नेक में, में वो भी यही है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स जो होती है वो ज्यादा लंबी और थिक होती है तो वो रीजन इजिली आपको बाहर से दिखता है ठीक है एक और चीज पढ़ते हैं हम तो हमने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ी थी हीमोग्लोबिन की यहाँ पे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ रहे हैं मायोग्लोबिन की मैं पूरा नहीं पढ़ा रही उसे सिर्फ कुछ चीजें आपको बता रही हूँ जैसे हीमोग्लोबिन की जो भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होती है वो थी सिगमोइड एस शेप की थी जो हमने कल पढ़ी थी जो राइट right या लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है डिपेंडिंग ऑन दी पीएच या फीटल हीमोग्लोबिन का बताया था यहाँ पे मायोग्लोबिन में आपको याद रखना है कि मायोग्लोबिन जो होती है यहाँ एस शेप्ड कर्व नहीं बनती ऑक्सीजन डिसोसिएशन की यहाँ बनती है हाइपरबोलिक कर्व ये नाम पूछा जाता है पार्ट बी सेक्शन जो है आपके एग्जाम का उसमें पूछा जाता है तो हाइपरबोलिक कर्व याद रखना मायोग्लोबिन हाइपरबोलिक कर्व बनाता है हीमोग्लोबिन एस शेप्ड या सिग्मोइड कर्व बनाता है एंड मायोग्लोबिन की हायर एफिनिटी होती है टू वर्ड्स ऑक्सीजन हायर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन तो मायोग्लोबिन बेसिकली एक टाइप का पिगमेंट है जो मसल्स में प्रेजेंट होता है जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड में है वैसे ये मसल्स में होता है हीमोग्लोबिन की तरह ही है ऑक्सीजन बाइंडिंग मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन से जुड़ जाता है ये भी हीमोग्लोबिन की तरह बट ये ज्यादा अच्छे से बाइंड करता है ऑक्सीजन से एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन तो ये आप याद रखोगे ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो मसल्स में प्रेजेंट है और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है अन रेस्पिरेशन की वजह से तो ये मायोग्लोबिन जो होता है ये अपनी एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन हाई रखता है ताकि ये जो चीज़ है ये हाई रहे तो उससे क्या होगा कि ज्यादा अच्छे से उसे ऑक्सीजन थोड़ी सी भी मिली तो वो उससे बाइंड कर जाएगा और एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा सो इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कर देगा तो वो ज्यादा अच्छा है अन एरोबिक रेस्पिरेशन वो नहीं होने दे रहा है तो इसीलिए इसकी एफिनिटी टू ऑक्सीजन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हीमोग्लोबिन तो ये एक फैक्ट था और एक लास्ट फैक्ट जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से है कुछ इंटरेस्टिंग uh, उसे बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं अंगीठी लगा के सो जाते हैं और सुबह वो ऊपर पहुंच चुके होते हैं तो उसका क्या रीजन होता है उसका रीजन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हमारे ब्लड की यानी हीमोग्लोबिन की ज्यादा एफिनिटी होती है टू कार्बन मोनोऑक्साइड तो अगर हीमोग्लोबिन को ऑप्शंस मिल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का तो वो प्रेफर करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करना और जब ये इससे बाइंड कर जाएगा सो वेन एवर दी हीमोग्लोबिन बाइंड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ तो उसकी वजह से बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एंड ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बहुत पॉइजनस होता है तो इसके जहरीलेपन की वजह से ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज द मेजर पॉइजनस कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वी नो दैट द हीमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी टुवर्ड्स द कार्बन मोनोऑक्साइड एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन तो ऑप्शन मिला तो वो उसे ही प्रेफर करेगा बाकियों से बाइंड नहीं करेगा और अगर ऑक्सीजन और सीओ टू में भी उसे अगर ऑप्शन मिला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करना ज्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे एडिशनली आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड समझानी थी तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है जो ह्यूमन्स में हमने पढ़ा आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ आई होगी अगर नहीं आई होगी तो मुझसे पूछ लेना यहाँ नहीं पूछना तो अकेले मैसेज करके भी पूछ सकते हो और अगर आपको कुछ भी इशू है ग्रुप से रिलेटेड या कहीं से भी कोई भी किसी भी चीज से छोटी से छोटी कोई भी चीज हो तो आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हो तो अब हमें स्टार्ट करना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी पहले मैं आपको ब्लड के बारे में बताऊंगी तो कार्डियो वस्क्युलर सिस्टम तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो हमारा होता है इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं मेजर अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक तो हमारा खून हो गया रक्त दूसरा हो गया हमारा हृदय हार्ट एंड थर्ड इज ब्लड वेसल तो ये तीन चीजें होती हैं जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होती हैं और हिमेटोलॉजी टर्म यूज की जाती है फॉर द स्टडी ऑफ ब्लड ब्लड एंड ब्लड वेसल्स इनकी स्टडी या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज बोन मैरो वगैरह जो होते हैं उनकी स्टडी को हिमेटोलॉजी बोलते हैं ब्लड से रिलेटेड चीजें एंड आपको ये भी पता होगा कि ह्यूमंस के पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड वेस्क्युलर सिस्टम है तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड फ्लो करता है इंडिपेंडेंटली विदाउट वेसल्स ब्लड फ्लो नहीं कर पाता और जो भी ये ब्लड वेसल्स होती हैं ये भी तीन प्रकार की होती हैं फिर एक हो गई वेन्स एक हो गई आर्टरीज और एक हो गई कैपिलरीज सो so, ये तीन चीजें ब्लड वेसल्स में आती हैं तो हम सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं ऑफ ब्लड तो ब्लड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं तो ब्लड के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं एक प्लाज्मा मिलता है और दूसरे मिलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्लाज्मा तो हो गया पानी ठीक है पानी होता है उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ सॉल्ट्स होते हैं आयंस होते हैं तो वो सब चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेजर हैं ये होते हैं फिर आगे जाके तीन टाइप के एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं और तीसरी जो होती है जिन्हें हम बोलते हैं प्लेटलेट्स तो ये तीन चीजें हैं जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कंसीडर की जाती हैं और ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ब्लड का पीएच कितना होता है एक्सपेरिमेंटली yes. है वो ज्यादातर इंडिविजुअल्स का पी एच जो होता है ब्लड का वो वेरी करता है सेवन पॉइंट थ्री फाइव टू सेवन पॉइंट फोर फाइव तो इन जनरल बोल देते हैं सेवन पॉइंट थ्री से सेवन पॉइंट फोर के बीच में होता है तो स्लाइटली एल के लाइन है एल्केलाइन है बट इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि न्यूट्रल वाली रेंज में ही आ रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर है तो इसीलिए स्लाइटली एल्केलाइन होता है हमारा ब्लड ब्लड जो होता है हमारी पूरी बॉडी का ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कंसिडर किया जाता है और हमारी पूरी बॉडी का एट परसेंट बायोमास ब्लड ही होता है ये आप याद रखोगे तो एवरेज एक मेल के अंदर बोला जाता है कि पांच से छह लीटर खून होता है और एक फीमेल के अंदर बोला जाता है चार से पांच लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको यहाँ याद रखने हैं दूसरी चीज फंक्शन ब्लड का काम क्या होता है तो ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाना सेल्स तक पहुंचाना कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लेके जाना और बॉडी से बाहर निकलवाना इसके अलावा साथ साथ में वो गैसेस के एक्सचेंज के अलावा न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है एक पर्टिकुलर सेल को टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स ले जाने में भी हेल्प करता है और हॉर्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा हीट वगैरह या फिर वेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है इसके जो होती है इसकी ये इसका एक और काम होता है रेगुलेशन ऑफ पीएच पीएच भी रेगुलेट करता है क्योंकि ब्लड एक बफर सिस्टम की तरह काम करता है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पीएच रेगुलेशन का भी इसका काम है इट आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा सेल्स का वाटर कंटेंट भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है और जो भी क्लॉटिंग है तो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा या डिजीजेस कोई भी फैगोसिटिक कोई सेल कोई भी एक पर्टिकुलर पैथोजन है वो एंटर कर गया तो white blood cells, phagocytic cells है, है तो व्हाइट ब्लड सेल्स फैगोसिटिक सेल्स होते हैं ये उन्हें खा जाते हैं तो पैथोजन से प्रोटेक्ट करने में भी हमारी बॉडी को हेल्प करता है या एंटीबॉडीज हैं किसी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनी है कोई एक बैक्टीरिया आ गया उसके सरफेस पे एंटीजें हैं कुछ इस टाइप के तो उनके स्पेसिफिक जो भी हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई होंगी उन एंटीबॉडीज को उस बैक्टीरियल सेल तक या उन एंटीजन तक पहुंचाने में भी ये हेल्प करता है तो ये भी इसका काम होता है अब ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ब्लड के अंदर ये तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है इन सारे कंपोनेंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है तो क्या क्या चीजें होती हैं लेटस स्टार्ट विद प्लाज्मा फर्स्ट की प्लाज्मा के अंदर क्या चीज होती है तो एक सिंपल सी चीज आपको यहां बता दू प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का फिफ्टी फाइव परसेंट होता है एंड फॉर्मड एलिमेंट्स होते हैं फोर्टी फाइव परसेंट ये परसेंटेज होती है दोनों की प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं तो प्लाज्मा के अंदर आपको मिलेगा तीन टाइप के प्रोटीन्स ये प्रोटीन्स कौन से होते हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ प्लाज्मा के अंदर आपको मिलेंगे एल्ब्यूमिन्स, इनके नाम याद रखने हैं पार्ट बी में आता है एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन तीसरा होता है जिसे फाइब्रिनोजेन बोलते हैं फाइब्रिनोजेंस तो ये तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा में आपको मिलेंगे इन्हें प्लाज्मा प्रोटीन्स बोला जाता है इसके अलावा क्या होता है प्लाज्मा के अंदर इसके अलावा आपको सॉल्ट मिलते हैं गैसेस मिलेंगी जो भी डिजोल्व फॉर्म में होती हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि फूड है एक पर्टिकुलर सेल का जहां पे भी ये न्यूट्रिएंट्स को लेके जा रहे हैं इन न्यूट्रिएंट्स के अंदर लिपिड्स आ सकते हैं ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स वो सब न्यूट्रिएंट्स में कंसीडर किए जाते हैं इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर तो वो होते हैं हॉर्मोन्स तो हॉर्मोन्स को भी प्लाज्मा कैरी करता है इसके अलावा वेस्ट वेस्ट हमारे अंदर जो होता है उसे बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट इसका मतलब नाइट्रोजन से बना हुआ वेस्ट दैट इज यूरिया यूरिया यूरिक एसिड ये सारी फॉर्म्स इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है तो ये था प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ चीज अब हम पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं तो फॉर्म एलिमेंट्स में रेड ब्लड सेल्स फर्स्ट टॉपिक तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इन्हें हम इरेथ्रो भी बोलते हैं इरिथ्रो का मतलब रेड होता है और साइट्स का मतलब सेल्स तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये दीज आर दी कंपोनेंट्स फॉर्म एलिमेंट्स जो ब्लड के अंदर हैं दैट कैरी हीमोग्लोबिन तो इनके अंदर एच बी होता है हीमोग्लोबिन दे डू नॉट देस एनी और एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल याद रखना रेड ब्लड सेल्स मैच्योर जब भी हो जाते हैं उनके अंदर ना न्यूक्लियस होता ना कोई और पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल होता जो भी मेम्ब्रेन से बाउंड हो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स इनिशियली तो कैरी करते हैं न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बट जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं उन्हें एरिया बढ़ाना होता है तो इतना एरिया है पहले न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ ऑर्गेनल्स हैं तो जगह घिर गई है अब जब ये मैच्योर हो जाएगा इसको ऑक्सीजन कैरी करनी है तो ये क्या करता है अंदर का सारा चीजें जो होती हैं सफा चेट कर देता है हटा देता है जिससे क्या होगा कि एरिया क्लीन हो गया अब यहां ज्यादा ऑक्सीजन को ये इजीली कैरी कर पाएगा हीमोग्लोबिन से बाउंड फॉर्म में तो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस एनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दीज आर बाय कॉन्केव इन शेप ये भी याद रखोगे बाय कॉन्केव शेप होती है सिक्कल शेप हो जाती है सिक्कल एनीमिया में इनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन का होता है 120 दिन तक ये सरवाइव करते हैं 120 दिन हो गए तो इन्हें भेज दिया जाता है फॉर डिस्ट्रक्शन टू स्प्लीन और लिवर स्प्लीन और लिवर हैं दो रीजन जहां पे रेड ब्लड सेल्स का खात्मा किया जाता है उन्हें मारा जाता है खत्म कर दिया जाता है देअर फोर द्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कब्रिस्तान स्प्लीन को बोलते हैं क्योंकि okay, स्प्लीन है जहां पे उनकी डेड बॉडीज जो होंगी वो एक्मिलेट हो जाती हैं और बाद में बिल्कुल खत्म कर दी जाती हैं तो उनके अंदर जो भी चीजें होंगी उन्हें ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंसेस में एब्सॉर्ब कर लिया जाएगा तो ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन्हें बोला जाता है तो रपच्चरिंग जो भी रेड ब्लड सेल्स की होगी डेथ होगी सारी स्प्लीन या फिर लिवर के अंदर होगी तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इसके बाद एक और चीज आती है रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं या व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं या फिर कोई भी फॉर्म एलिमेंट है वो बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ हिमोपॉइसिस या हिमैटोपॉइसिस भी बोलते हैं प्रोसेस बाई विच फॉर्म डलीमेंट्स आर प्रोड्यूसड हिमोपॉइसिस और हिमैटोपनेंगे सारे फॉर्म डलिमेंट्स वेदर दे आर रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स तो हिमैटोपॉइसिस होती है मेनली जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनको तो इरेथ्रोपाय बोल देते हैं इरिथ्रोसाइट्स है ना इसीलिए बट इन जनरल बोलना है कि पूरा ब्लड जो होता है वो कैसे बनेगा किस प्रोसेस से ब्लड के कंपोनेंट्स तो हिमाटोपॉइसिस या हिमोपॉइसिस से बनते हैं जब भी एम्ब्रियो होता है तो उस टाइम बोला जाता है योग सैक जो होता है एम्ब्रियो का वहां पे हिमाटोपॉयसिस होती है बिफोर बर्थ बट आफ्टर बर्थ हिमैटोपयसिस या तो लिवर में होती है या स्प्लीन में होती है या थाइमस में होती है में होती है। अब स्प्लीन में तो उनकी डेथ हो रही है बन क्यों रहे हैं तो स्प्लीन बेसिकली जो होती है ये ब्लड बैंक भी इसे बोलते हैं ये जनरल नॉलेज में होता है जब मैं पढ़ाती थी तो वहां ये पढ़ाया जाता था स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं ब्लड बैंक किस लिए क्योंकि अगर जैसे बैंक होता है हमें पैसे की जरूरत है तो लोन प्रोवाइड कर देता है सिमिलरली अगर पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के किसी भी एलिमेंट की कमी हो गई तो उसे फुलफिल करने के लिए स्प्लीन हेल्प करता है इसीलिए इसे ब्लड बैंक बोला जाता है तो ये भी आप याद रखोगे थाइमस ग्लैंड हो गया उसके अंदर भी अः या हिमैटोपिस हो सकती है और बोन मैरो तो होती है तो बोन हेल्प करती है रेड ब्लड सेल्स वगैरह की प्रोडक्शन में तो बोन है ये हड्डी जो हम कार्टून्स में देखते हैं इस तरीके की इसमें बीच में ये हॉलो स्पेस होता है ये हॉलो स्पेस है जो बोन मैरो रीजन में रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होगी अब ये बोन मैरो भी फिर येलो बोन रेड बोन होती है वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा और डिटेल में तो रेड ब्लड सेल्स के कुछ फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए तो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं आपने तो हीमोग्लोबिन पढ़ लिया हीमोग्लोबिन के अलावा हीमोसाइनिन भी पढ़ लिया बट इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं तो वो भी मैं यहाँ बता रही हूं तो ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, उनका कलर क्या होता है उनके अंदर कौन सा मेटल होता है और वो कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं तो एनिमल लिख देते हैं इधर। किसके अंदर मिलेंगे? तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक तो एच बी हो गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ये होता है रेड इन कलर ड्यू टू फाउंड इन एनिड के मेंबर्स एंड लीडा इन सब के अंदर आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा एज दी पिगमेंट अनदर टाइप ऑफ पिगमेंट इज हीम हीमोसाइनिन हीमोसाइन इज ब्लू इन कलर और जो भी आठ से नौ वाली क्लास में थे बताओ भाई इसके अंदर कौन सा मेटल होता है कॉपर। कॉपर, तो यहाँ कॉपर होता है और ये प्रेजेंट होता है तो जो आज हमने कैटेगरी पढ़ी आठ से नौ में अंदर इसके अलावा आपको ये आर्थ्रोपॉड्स के अंदर भी मिलता है तो ये याद रखोगे थर्ड इज क्लोरो क्लोअन ये आपने सुना नहीं होगा किसी किसी ने सुना होगा अगर सुना हो तो दिस इज ग्रीन इन कलर तो ग्रीन ब्लड आयरन की वजह से होता है ये भी आयरन होता है इसके अंदर भी एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्यू एनिलीड्स तो एनिलीडा के जिससे अर्थ फॉर्म बिलोंग करता है उसमें से कुछ एनिलीड्स होते हैं जिसके अंदर ये आपको मिलता है फोर्थ पिगमेंट इज हीमोरिथ्रिन हीमोरिथ्रिन जो पिगमेंट होता है दिस इज ऑल्सो रेड इन कलर

और ये प्रेजेंट होता है फ्यू मॉलुस् के अंदर तो ये कुछ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं जो आपको याद करने हैं इनमें से भी अगर नीचे वाले ना याद हों तो भूल जाओ इन्हें जरूर याद कर लेना हीमोग्लोबिन हीमोसाइनिन इसमें से भी क्वेश्चन हीमोसाइनिन का आता है कॉपर का क्योंकि जो पता होता है वो कभी नहीं पूछा जाता जो नहीं पता होता वो पूछा जाता है तो हीमोसाइनिन में कॉपर होगा मॉलुस्क सारोपोडा के अंदर पाए जाएंगे ये आपको अच्छे से याद करने हैं तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में हम वाइट ब्लड सेल्स अभी बता रही हूं मैं अजीत आप सब जो भी पूछना चाहते हो कि अगली क्लास में क्या किया जाएगा क्या पढ़ के आना है तो मैं अभी बता रही हूँ वाइट ब्लड सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे डबल सर्कुलेशन होता है कार्डियक साइकिल क्या होती है हार्ट बीट्स कितनी होती है किस तरीके से होती है ब्लड प्रेशर कैसे होता है कार्डियक आउटपुट क्या होता है ईसीजी क्या होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में